नमस्कार। बदलती जलवायु में ज़मीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों का समतल होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन की असमतलता मिट्टी में नमी एवं पोषक तत्वों के वितरण को प्रभावित करने के साथ भूमि के कटाव को बढ़ावा देती है। भूमि के असमतल होने से बीजों का अंकुरण और फसल उपज प्रभावित होती है। खेती लायक भूमि समतल होने से किसानों को काफ़ी लाभ होगा। समतल भूमि पर खेती करने से खेती की लागत कम होने के साथ समय की बचत भी होगी। अब सवाल उठता है कि किसान भाई कैसे जाने कि खेत समतल हैं या नहीं। किसान भाइयों, अगर आप आंखों से देख सकते हैं जो गड्ढे आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर कुछ स्थिति ऐसी होती है कि अपने खेत प्लेन लगते हैं, एकदम समतल लगते हैं, लेकिन होने में वो समतल नहीं है। इसके लिए आप जब खेत में बरसात का पानी भरता है या सिंचाई का पानी अपन सिंचाई करते हैं, उस समय कुछ विशेष जगह पर सिंचाई का पानी या बरसात का पानी जमा हो जाता है, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं कि अपने खेत समतल नहीं है। खेतों को लेवल करने के लिए झांझी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन झांझी से आप उन्हीं गड्ढों को सही कर सकते हैं जो अपनी आंखों से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकते या आंखों की पकड़ से दूर होते हैं, उसको प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए लेजर लैंड लेवलर का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इस लेजर लैंड लेवलर पर बहुत से राज्यों में कृषि विभाग इस पर अनुदान भी देता है। अनुदान लेने के लिए किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें। खेतों के समतलीकरण के लिए सबसे जो सही समय होता है वो है रबी की फसल कटने के बाद का समय। उस समय खेतों में हल्की सी नमी भी बनी रहती है, जो इन लेजर लैंड लेवलर या कोई भी अन्य कृषि उपकरण को चलने में आसानी रहती है। लेजर लैंड लेवलर के लिए मिट्टी में लगभग 5 से 8% नमी होना जरूरी है, जिससे लेजर लैंड लेवलर आसानी से मूव कर सके या गति कर सके। लेजर लैंड लेवलर से खेतों को समतल करने की लागत की बात करें तो ये डिपेंड करता है अपने खेतों की स्थिति कैसी है। फिर भी 2000 से 4000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से, या अगर अपने खेतों की स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, ये ज़्यादा ही अनडुलेटेड उबड़ खाबड़ हैं, तो उसमें लागत बढ़ सकती है। भूमि के समतलीकरण से क्या फ़ायदे हैं? इसमें भूमि के समतल होने से 30 से 35% सिंचाई के पानी की बचत होती है, तथा अन्य कृषि उपकरण जैसे कि सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, मल्टी क्रॉप प्लांटर या कोई भी अन्य कृषि उपकरण जिनसे अपन खेती करते हैं, उनके प्रदर्शन में भी आसानी रहेगी। साथ ही लगभग 10 से 15% उपज की उपज भी बढ़ती है, उसकी भी बड़ा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। किसान भाई जिन गड्ढों को, जिस ढलान को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको ट्रैक्टर की जांच से ठीक कर सकते हैं। जो ढलान या जो गड्ढे आंखों से पकड़ में नहीं आते हैं, उसके लिए लेजर लैंड लेवलर एक बेस्ट तकनीक है। इसका इस्तेमाल करें। नमस्कार।